हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल SMII पे। इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते हैं और आपको स्टॉक मार्केट में निवेश की राय भी देते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आपको जो है डिटेल रिसर्च करने की ज़रूरत है। आपको अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स ढूंढने के लिए उनके फंडामेंटल चेक करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि आपने स्टॉक मार्केट में पैसा क्रिएट करना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को जो है होल्ड करना होगा। इस वीडियो में भी बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो कि आने वाले टाइम में आपको शानदार रिटर्न्स देते दिखाई दे सकते हैं। आज हम बात करेंगे 4 मिड कैप स्टॉक्स की। इनके फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रांग हैं और पैरोटी स्कोर भी बहुत ही शानदार है। इसलिए क्या आपके पास ये कोई स्टॉक है? यदि है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमारे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, एंड तक जरूर हमारे वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और स्टॉक मार्केट में यदि आपने पैसा कमाना है तो आपको जो है वो धीरे धीरे करके स्टॉक का एनालिसिस करना सीखना चाहिए। यही हमारे चैनल का मेन पर्पज है, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले नए आए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, जो पोरोट्सकी स्कोर होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपनी की फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशंस, क्योंकि कोई भी स्टॉक यदि आप पिक करते हो तो उसके फंडामेंटल्स एंड उसके जो वैल्यूएशंस होती हैं बहुत ही जरूरी होती हैं। जो फंडामेंटल्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल पैरामीटर्स आ जाते हैं, जैसे कि नेट इनकम है, कैश फ्लो है, क्वालिटी ऑफ द अर्निंग्स है, रिटर्न ऑन द एसेट्स हैं, दैट इज आरओई, लीवरेज, करंट रेशियो, डिफरेंट टाइप के जो पैरामीटर हैं, फाइनेंशियल पैरामीटर्स एंड अदर्स आर included in the Brodsky score. So it is a score between 0 and 10 and it is used to determine the best quality stocks and best value stock. दोस्तों, वैल्यू स्टॉक जो है बहुत ही जरूरी है आपको फाइंड आउट करना, क्योंकि यदि आपने सही स्टॉक सही वैल्यूएशंस पे पकड़ लिया तो आपका जहां पे पैसा जो है बनना तय है। यदि किसी कंपनी का जो पोरोट्सकी स्कोर है वो 9 है, इसका मतलब है कंपनी बेस्ट है फॉर द इन्वेस्टमेंट। यदि उसका जो स्कोर है 0 है तो इसका मतलब है आप उस स्टॉक से दूर रहें। तो हमारे पास कुछ स्टॉक्स हैं जिनके पोरोट्सकी स्कोर हाईएस्ट है, 9 है। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं, उनके फाइनेंशियल पैरामीटर भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो स्टॉक है टाटा ग्रुप का स्टॉक है, केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, दैट इज टाटा केमिकल्स। इसका नेट प्रॉफिट देखो फाइनेंशियल ईयर 22 में 1174 करोड़ है, तो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया है इन द फाइनेंशियल ईयर 22। रिटर्न ऑन द एसेट्स देख लो, दिस इज द 3.78 एंड डेब्ट टू किटी रेशियो देख लो, ये भी लो है, बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब कंपनी ने बहुत ही कम डेब्ट लिया है। यदि इसकी करंट रेशियो देखें 1.23 की है एंड एसेट टर्नओवर रेशियो देखें तो 716 है, मतलब इसके सारे ही फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं। कंपनी अच्छे प्रॉफिट में दिख रही है, रिटर्न ऑन द एसेट्स भी अच्छा है, मतलब डेब्ट भी लो है। सिमिलरली दूसरी जो कंपनी है वो पीएचयू सेक्टर की कंपनी है, ऑयल इंडिया है। यदि इसका नेट प्रॉफिट देखें 1728 करोड़ का है, रिटर्न ऑन द जो एसेट्स हैं वो 10.66 का है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी लो है, जबकि करंट रेशियो जो है वो 1.32 की है। और यदि इसकी एसेट टर्नओवर रेशियो देखें तो वो भी 281 की है, बहुत ही शानदार है। दोस्तों, तीसरा देख लेते हैं स्टॉक, ट्राइडेंट है, वेल नोन कंपनी है। इसका भी नेट प्रॉफिट बहुत ही शानदार है, 833 का इसका जो नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, रिटर्न ऑन द एसेट्स बहुत ही बढ़िया है, आरओए 13% से भी ज्यादा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी लो है, करंट रेशियो 1.27 की है, एसेट टर्नओवर रेशियो 7.54 की है। दोस्तों, चौथा जो हमारा स्टॉक है वो है भारत डायनेमिक्स। भारत डायनेमिक्स का नेट प्रॉफिट भी बहुत ही बढ़िया है, 499 का है, नियरली 500 करोड़ का है, रिटर्न ऑन द एसेट भी अच्छा है, 8 से ऊपर है, जबकि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो नील है, कोई भी डेब्ट इस कंपनी के ऊपर नहीं है, और करंट रेशियो देखें तो 2.14 की है, एसेट टर्नओवर रेशियो जो है वो 164 की है। मतलब ये जो कंपनी है इनका पोरोट्सकी स्कोर जो है वो 9 बन रहा है और इनके फंडामेंटल्स आप देख सकते हो बहुत ही शानदार है, डेब्ट बहुत ही कम लिया है कंपनीज ने और कह सकते हो नियरली डेब्ट फ्री कंपनीज है, प्रॉफिट बहुत ही शानदार है इनका। तो आइए एक एक करके इनका बिजनेस देख लेते हैं। पहले जैसे आपको पता है टाटा केमिकल्स कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है एंड ये जो कंपनी है डिफरेंट टाइप के केमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है एज वेल एज द स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाती है एंड दीज कंपनी प्रोड्यूस हैज स्प्रेड अक्रॉस द 4 कॉन्टिनेंट्स, मतलब अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया।
तो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका जो है 25,500 करोड़ के अराउंड निकल कर आ रहा है, और इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है 984 के अराउंड निकल कर आ रही है, ये थर्सडे की प्राइस है। तो आप देख सकते हो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। दूसरी ऑयल इंडिया कंपनी है, दिस इज एन इंटीग्रेटेड एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी विद अपस्ट्रीम सेक्टर एंड इट्स बिजनेस इंक्लूड द क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एलपीजी, पाइपलाइन, ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। तो बहुत ही डिवर्सिफाइड बिजनेस है। ऑयल सेक्टर में, गैस सेक्टर में इस कंपनी का बहुत ही अच्छा बिजनेस है। ये भी एक मिड कैप कंपनी है, मार्केट कैप इसका 25,238 करोड़ का है, करंटली इसकी जो वैल्यू है वो 233 की है। दोस्तों तीसरा जो स्टॉक है वो ट्राइडेंट है, एक टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, और ये कंपनी डिफरेंट टाइप के जो टेक्सटाइल एंड पेपर केमिकल्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रेडिंग करती है, सेलिंग करती है। इट इज़ ए फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द ट्राइडेंट ग्रुप। तो ट्राइडेंट ग्रुप जो बहुत ही बड़ा ग्रुप का है उसी की ये कंपनी है, एंड इट्स प्रोडक्ट्स जो है वो यार्न, टॉवल्स, बेडशीट्स, ड्राइंग पेपर एंड अदर्स। तो टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ही बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप इसका 16,721 करोड़ का है, करंटली इसकी मार्केट प्राइस 34 के अराउंड है, क्लियरली ये मिड कैप टाइप कंपनी है। दोस्तों चौथा जो स्टॉक है भारत डायनेमिक्स का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, पीएसयू सेक्टर की कंपनी है, एंड ये कंपनी जो है गाइडेड मिसाइल सिस्टम एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है। अब जैसे आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मेक इन इंडिया पे फोकस कर रही है, तो इस कंपनी की बहुत ही इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इसका मार्केट कैप जो है 17,074 करोड़ का है, इसके शेयर की प्राइस 923 की है। तो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और बिजनेस मॉडल भी बहुत ही शानदार है। तो हम आपको यही राय देंगे, आप इन चार स्टॉक्स में सिप करो। यदि आप इन चार स्टॉक्स में सिप करोगे तो आपको आने वाले टाइम में बहुत ही शानदार रिटर्न्स मिल सकते हैं। यदि आप इन स्टॉक्स को नेक्स्ट 1 से लेके 2 इयर्स तक भी होल्ड कर सकते हो, सिप कर सकते हो, तो आपको 2x से लेके 3x तक भी रिटर्न जो है वो मिलते दिखाई दे सकते हैं। फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, बिजनेस मॉडल बहुत ही बढ़िया है, मिड कैप कंपनीज है, इसलिए आप इन स्टॉक्स में आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये जो स्टॉक्स हैं ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, बेस्ट क्वालिटी स्टॉक्स हैं फॉर इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। एंड में फिर कहेंगे किसी भी स्टॉक में आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट ना करें, उसके फाइनेंशियल फंडामेंटल जरूर चेक कर लें और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें और सिप के थ्रू एंट्री करें, तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। थैंक्स अगेन।